मॉर्निंग ग्रेड सिक्स। होप सो बच्चों आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसका हम टॉपिक कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो उसके हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, अब कुछ फीचर्स हम आज पढ़ेंगे कि आपके पास क्या होता है कि जो आपके के एनिमल्स होते हैं वो अपने लेग्स, विंग्स और फिन्स को यूज़ करके, ठीक है, मूव करते हैं, ठीक है। फिर एनिमल्स अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हैं, आइज़ को, ईयर्स को, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन प्लांट में सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि अगर हम उनको पानी डालें, लाइट हो या वाटर हो, तो वो हमें रिएक्ट करके बताते हैं कि फिर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास एक और फीचर है कि ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाई, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ना, वो सारी की सारी रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों करती हैं, ताकि उनकी जब जो भी वो जिस भी स्पीशीज से ताल्लुक है उनका, जब वो एक जनरेशन ख़त्म हो तो उससे पहले दूसरी जनरेशन हो, ठीक है, जो उनको रिप्लेस कर सके। अब इसी तरह से हमारे पास है कि लिविंग थिंग्स को क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो ग्रो कर सकें, मूव करें, ठीक है, और उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करे। तो एनर्जी उनको कहाँ से वो मिलती है, एनर्जी उनको मिलती है फूड से, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें से एनर्जी होती है वो रिलीज होती है फूड से, ठीक है। अब हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड, कि हमारे पास वो जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसका क्या यूज़ होता है। तो लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू इनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, कि लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि हमें एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि हम ग्रो कर सकें, मूव कर सकें, और हमारी जो बॉडी है ना वो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो एनर्जी वो हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें अपनी फूड से मिलती है, ठीक है, जो हम खाते हैं।